फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हर बार की तरह कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आपके लिए यहाँ पे वीडियो आते हैं फोन फिक्स हैदराबाद की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास सैमसंग का A505 हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें रिसीवर में आवाज़ नहीं आ रही है। जब कॉल आता है तो आगे वाले की आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है यहाँ पे। तो हम अभी इसमें पूरा प्रैक्टिकली चेक करके बताएंगे किस तरह से ये प्रॉब्लम इसमें है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। पूरा बिल्कुल ऑडियो एसी के अंदर के बॉल तक हमने बताए हैं और पूरी लाइन इस वीडियो में बताई है, सीपीयू से कौन सी लाइन आ रही है, सब कुछ इस वीडियो में हमने बताया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं फोल्डर से और शुरुआत करेंगे रिसीवर के टिप्स से, चेकिंग करेंगे बेसिक से, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी हैंडसेट आता है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है चेकिंग प्रोसेस के, वहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है और क्या जीआर आ रहा है, क्योंकि लाइन भी ओपन हो सकती है, कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकते हैं और आईसी से भी फॉल्ट हो सकता है या तो फिर सीपीयू से फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले रिसीवर में चेक कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 620 के आसपास रीडिंग आ रही है और दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम रीडिंग आ रही है। मतलब दोनों ट्रैक्स ओपन है, कोई भी ट्रैक यहाँ पर दोनों ट्रैक ओके है, कोई भी ट्रैक यहाँ पर ओपन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉयल और एक कैपेसिटर यहाँ पे हमको मिला है, एक कॉयल सीरीज में, उसके बाद एक कैपेसिटर, उसके बाद यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट सीधा ऑडियो आईसी में चली गई। तो यहाँ इसका जो ऑडियो कोडेक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नंबर बताना चाहूँगा आपको, ALC5665 इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पावर आईसी के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस आईसी के आसपास कोई भी कंपोनेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आईसी को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आसपास कोई भी कंपोनेंट नहीं है चेक करने के लिए। तो जो भी इसमें सप्लाई आती है सारी की सारी सप्लाई आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आईसी को हमने निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल का ये आईसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पूरा डाटा शीट बना लिया है कि कौन से बॉल पे क्या सप्लाई आ रही है, कितने एनसी है, कितने इसमें वोल्टेजेस आने चाहिए, कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए, कौन सी इसमें सीपीयू से जो लाइनें आती हैं डाटा क्लॉक वाली वो कौन सी है, आई टू सी लाइन कौन सी है, ऑडियो के लिए जो लाइनें आती हैं आई टू एस जिसे इंटर इंट्रीकेटेड साउंड कहते हैं वो लाइन कौन सी है इसमें, और वोल्टेजेस क्या क्या आ रहे हैं, वीपीएच कहाँ पे आ रहा है, वीबेट कहाँ पे आ रहा है, 2.8 कहाँ पे आ रहा है, 3.3 कहाँ पे आ रहा है, 1.8 कहाँ पे आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे हमने बना लिया है। रिसीवर की जो आउट सप्लाई है फ्रेंड, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, J1 और J2 से आउट हो रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आईसी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके बताएंगे कि इसमें कौन सी लाइन मिसिंग है। तो यहाँ पे जितने भी बॉल है, सबसे पहले आपको आउटपुट की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद इनपुट की सप्लाई। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ये सारा हमारा डाटा वहाँ पे मैच होना चाहिए तभी आपका रिसीवर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इस तरह का डाटा आप बना लेते हैं तो आपको फॉल्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्लास में सिखाया जाएगा किस तरह से आपको आईसीओ का डाटा शीट बनाना है, जीआर बनाना है, वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करना और क्लीन करना। इसका जो नोस्कोट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्क देख रहे हैं आप, यहाँ पे A1 है इसका और A1 पे हम देखेंगे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे आईसी के जितने भी बॉल हैं, 72 बॉल है, सबका हम यहाँ पे जीआर ऑलरेडी आईसी में ऑलरेडी हमने बना के रखा है, तो हम उससे मैच करते हैं। और यहाँ पे एक एक बॉल की आपको कूल टेस्टिंग करनी है डायोड मोड में और सबका जीआर, सबकी वैल्यू आपको चेक करनी है कि सारा सप्लाई सही है कि नहीं है। और यहाँ पे हॉट टेस्टिंग भी करके आपको देखना है, दोनों चीज़ आपको करके देखनी है। और यहाँ पे हमें A6 जो बॉल है इसका, जो कि I2S डाटा 0 के लिए है, तो ये सप्लाई यहाँ पे मिसिंग है।
मैं आपको वापस से बताना चाहूँगा, A6 जो सप्लाई है वो वाली सप्लाई पे यहाँ पे ऑयल आ रहा है, जहाँ पे आपको 450 या 500 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसमें काफ़ी सारे NC पिन्स है, ग्राउंड है और कुछ आउटपुट सप्लाई के लिए है, ये माइक वगैरह के लिए और रिसीवर के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑयल ही आएगा। और इनपुट के लिए जो सप्लाई आती है यहाँ से CPU से, जो है टोटली 8 लाइनें इसके अंदर इनपुट होती हैं, जो कि I2C के 2 लाइनें होती हैं और I2S के जो कि यहाँ पे 6 सप्लाई यहाँ पे इन होती है। यहाँ पे जो A6 है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल आ रहा है A6 जो हमारा फर्स्ट लाइन है, इसमें A6 की जो सप्लाई है यहाँ पे ऑयल आ रहा है। देखिए मैं वापस से आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए A6 यहाँ पे आपको ऑयल आ रहा है, जहाँ पे आपको 400 से 600 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सप्लाई नहीं आ रही है, ये बेसिकली जो CPU के पास जो ट्रैकें होती है, वो ट्रैकें इसके ऊपर की जो शील्ड रिमूव करने के टाइम पे वो ट्रैकें ब्रेक हो जाती हैं, जो कि I2S इंटर इंटीग्रेटेड साउंड की जो सप्लाई होती है वो सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाती है, जो कि ऑडियो कोडेक के लिए आती है। तो यहाँ पर हम इसी को रिपेयर करके आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बीच में हमने जो जंपर किए हैं वो आपको बताएं कहाँ पे आपको स्क्रैच किया है। तो यहाँ पे हमने सरफेस लेयर को स्क्रैच करके Layer 1 पे यहाँ पे हमने जंपर किए हैं, जहाँ पे हमने 5 जंपर लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I2S डाटा 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी हमको यहाँ पे सब कुछ मिल गया। I2C लाइन यहाँ पे आ रही है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा हमको मिल गई, बाकी यहाँ पे इनपुट सप्लाई सारी हमको मिल गई, आउटपुट में सारी ट्रैक बिल्कुल ओके है। तो इस IC में जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी टेक्नीशियन ने IC को भी चेंज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये डाटा लाइन मिसिंग है इसमें, I2S जो इंटर इंटीग्रेटेड जिसे साउंड कहते हैं, ये वाला डाटा यहाँ पे मिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम PCB को स्क्रैच करेंगे और Layer 1 में यहाँ पे स्क्रैच करके जंपर लगाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, थोड़ा सा वीडियो मैं बीच में स्किप करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी है आपको टेक्निक्स है ट्रिक्स है सब कुछ क्लास में सिखाएंगे। तो ये सब कुछ सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं PhoneFix हैदराबाद टीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी काम होता है पूरा प्रैक्टिकली काम होता है फ्रेंड्स, जो कि 100% प्रैक्टिकल और जेन्यून काम होता है, जो कि कस्टमर के सेट आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ रिपेयरिंग सेंटर ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये रिपेयरिंग लैब भी है, जहाँ पे जो मार्केट के डीलर होते हैं वो लाके हमको सेट्स देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सर्किट की प्रॉपर रियल नॉलेज होनी चाहिए, कितने लेवल के PCB में कितने लेयर पे आपको स्क्रैच करना है, कहाँ आप स्क्रैच कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आप प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो सब कुछ सीखना है तो जल्दी से ज्वाइन करिए PhoneFix हैदराबाद। जून बैच की बुकिंग ऑलरेडी फुल हो चुकी है, आप जुलाई बैच में बुक करा सकते हैं। यहाँ पे आपको MMC UFS और सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ हैंड स्किल फॉल्ट फाइंडिंग पर ज़्यादा फोकस होगा हमारा, और साथ ही साथ आपको सर्किट की नॉलेज दी जाएगी इंटरनली सर्किट, जो कि आपने अभी तक यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं देखी नहीं, उस तरह की आपको सर्किट नॉलेज क्लास के अंदर दी जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये UFS और CPU के नीचे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह की जो शील्ड रिमूव करते हैं, तो इंटरनली जो फर्स्ट Layer 1 पे ही ये ट्रैक्स होती हैं तो डैमेज हो जाती हैं, बहुत ही नाजुक सी इसमें सप्लाई आती है। तो ये सप्लाई ब्रेक होने के कारण हमारे हैंडसेट में रिंगटोन रिसीवर माइक ये सब काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑडियो IC को यहीं से सप्लाई जा रही है, जो कि I2S सप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसे स्क्रैच करेंगे, आपको स्क्रैच करके बताएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, एंजॉय करिए वीडियो को। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, जाकर देखिए स्टूडेंट किस तरह से काम करते हैं। डबल डेकर CPU नॉर्मली आपसे 1-2 दिन में ही आपसे डन करा देंगे, डबल डेकर CPU ब्लैक पेस्टेड CPU डन कराएंगे सारे स्टूडेंट से, और प्रोग्रामिंग सारी आपको सिखाएंगे, UFS की प्रोग्रामिंग हो या फिर MMC की प्रोग्रामिंग हो, UFI, EasyJet Attack और Medusa Pro, तीनों बॉक्सेस आपको बताएंगे।
जल्दी से ज्वाइन करिए फ़ोन फिक्स हैदराबाद। अगर आपको प्रॉपरली सीखना है, 10 से 12 घंटे की क्लास होती है जिसमें पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली क्लास होती है, और जो कुछ भी होता है फ्रेंड्स लाइव हैंडसेट होते हैं आपके साथ, 10 हैंडसेट ला सकते हैं, वो भी हम रिपेयर करके आपको बताएंगे। और जो कस्टमर के हैंडसेट आते हैं उस पर भी आपको जो रेगुलर बेसिस पे जो फॉल्ट आते हैं, ये बेसिकली फ्रेंड्स जो यहाँ पे दुकान पे होते हैं, ये सारी चीज़ आपको कहीं और सीखने नहीं मिलेगी। जो मार्केट के प्रॉब्लम्स है, मार्केट में जो रेगुलर फॉल्ट्स आते हैं, वो आपको लाइव यहाँ पे रिपेयर करने को मिलेंगे, और हम आप ही के हाथ से वो सारे रिपेयर करवाएंगे। और हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे ट्रेनर है ऑलरेडी 10-10, 15-15 साल से इस लाइन में है, और काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लेयर वन सरफेस लेयर स्क्रैच करके लेयर वन में आपको जो ट्रैक्स दिखेंगी उसी में से ट्रैकें ब्रेक रहेगी, और उसी को हम यहाँ पे अभी जंपर करेंगे और वापस से इसका रिज़ल्ट भी आपको बताएंगे। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नीचे अपना कमेंट ज़रूर देना फ्रेंड्स। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, और फ़ोन फिक्स की टीम के साथ जुड़े रहिए। हम आपको MI में जो विदाउट MMC विदाउट CPU आप MMC चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको 2 TB फाइल्स भी देंगे जिसमें आपको MI के MMC चेंज के सारे फाइल्स अवेलेबल रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फाइल्स दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PCB जो वर्क करने के लिए दिया जाएगा, और जो फुल कोर्स हमारे यहाँ पे करते हैं उनको रहने खाने के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओनली 40,000 हमारी फ़ीस है, जो कि इंडिया में सबसे कम फीस है, और हमारा जो कोर्स है सबसे ज़्यादा हमारा जो सिलेबस है अगर हम काउंट करने या बताना चले स्टार्ट कर दें तो आपको हमारा कोर्स काफ़ी सारा कोर्स हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ट्रैकें ब्रेक है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो है डाटा 0 की पॉइंट है, जो कि हमको ऑलरेडी वहाँ पे ओएल आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें 8 लाइन्स है, 8 सप्लाई लाइन्स है, जहाँ पे आपको 3 ट्रैकें ब्रेक यहाँ पे हो चुकी हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नाजुक ट्रैकें होती हैं फ्रेंड्स, आप जंपर लगाने जाएंगे तो भी ये 2-3 ट्रैकें ऐसे ही निकल ही जाएंगी, तो इसमें बहुत ही हैंड स्किल की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ये जो है फ्रेंड्स बहुत ही बारीक होते हैं, इसका जंपर लगाना सबके बस की बात नहीं है, ये आपको बहुत ही नाजुक होती हैं, तो ये आपको हैंड स्किल का काम है। तो ये बहुत ही नाजुक ट्रैकें होती हैं, बहुत ही बारीक सी होती हैं, जिसमें वायर भी आपको बहुत ही 0.02 mm का इस तरह का एक लो टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाला माइक्रो जंपरिंग वायर यूज़ होता है इसमें। और चूँकि फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकली बताते हैं यहाँ पे आपको क्लास में, इसीलिए हमको एक्सपीरियंस है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग हमको देनी है। तो ये सब कुछ आपको माइक्रो जंपरिंग आपको क्लास में सिखाया जाएगा, अंडर मास्किंग जंपरिंग आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा मैं स्किप करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स जो है सब कुछ स्टूडेंट के लिए होता है, तो जब हम क्लास में बताते हैं ये सारी चीज़ें तो एक आध दो जंपर लगा लें, तो फिर मैं यहाँ पे आपको हाइड करके बताऊँगा थोड़ा सा चीज़ें। तो जल्दी से ज्वाइन करिए फ़ोन फिक्स हैदराबाद, आपका इंस्टीट्यूट जो कि आपको एक ब्यूटीफुल सा सिटी हैदराबाद में है, जो कि मेन सिटी में है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप अच्छे से काम सीख सकते हैं और अपनी इनकम को 2 से 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स काफ़ी सारे बड़े बड़े शहर में आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली काम सीखना है, एक रियल काम जिसे बोलते हैं एक्चुअल में काम जो होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद टीम को। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पे फ्रेंड्स, ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाई भी इससे कुछ सीख सकें, कुछ उनको भी मालूमात हो जाए। हो सकता है हमारा कोई और टेक्नीशियन भाई अपडेट होना चाहता है प्रॉपरली, और चूंकि फ्रेंड्स अपडेट होना बहुत ज़रूरी है आपको, अदरवाइज़ आपका काम वापस जाता रहेगा, सेट्स वापस जाते रहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं फॉलोअर्स, काम तो बहुत आता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो अपडेट होते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और सीखना ही ज़िंदगी है, क्योंकि जो सीख रहा है वही इंसान आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पे जम्पर करेंगे इन सारे कनेक्शंस को, क्योंकि ये ब्रेक हो जाने की वजह से ऑडियो आईसी में आपका डाटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस कारण साउंड नहीं आएगा आपको स्पीकर में, माइक में, आपके हेडफोन में और आपके रिसीवर में। तो यहाँ पे हम जल्दी से जम्पर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जम्पर लगा लिया है और ये सब कुछ काम दोस्तों ये देखने बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत ही बारीक यहाँ पे जम्पर लगते हैं, जो कि आपको क्लास में ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो बहुत ही बारीक जम्पर है, एकदम बाजू बाजू होते हैं। ये एक बहुत ही हैंडी स्किल का काम है फ्रेंड्स, हर एक के बस की बात नहीं है इस तरह से जम्पर लगाना। तो इस तरह का आप हैंड स्किल का काम सीखना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फोन फिक्स हैदराबाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्पर हमने कितनी खूबसूरती से लगाया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे यूवी ग्लू लगा देना है, और ये जम्पर करने के बाद आपको ज़रूर चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू है आईसी में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर रिसीवर की साउंड भी सुनाऊंगा, आप ज़रूर चेक करिए कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही हाई लेवल का कोर्स होता है, जो कि आपको एक अच्छा टेक्नीशियन के साथ बैठकर ही आप सीख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ ये ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि एक अच्छा रिपेयरिंग लैब भी है। तो जल्दी से आ जाइए हमारे साथ, सीखिए काम किस तरह से एक्चुअल में किया जाता है, कैसे रनिंग मॉडल के फॉल्ट्स बना सकते हैं आप, जो मार्केट में भी फॉल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही डायरेक्ट सोल्यूशन आपको देंगे और पूरा सेक्शन को डीपली इंटरनली लेवल पर समझाएँगे। ऐसे लेवल पर आपको बताएँगे फ्रेंड्स कि वो एक्चुअल काम कैसे कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे इसे ऑन करते हैं और इसका रिसीवर को सुनते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay, done.